कहानी है ओमकारेश्वर की, कहानी है नर्मदा नदी के तट पर बसा और उज्जैन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पवित्र ज्योतिर्लिंग जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पिता मानदाता की स्मृति में नर्मदा तट की चट्टान पर इस नगरी को बसाया था जो कि ओमकारेश्वर के नाम से जानी जाती है। तो आज हम देखेंगे भगवान महादेव के चौथे शिवलिंग ओमकारेश्वर की दर्शन यात्रा। तो भैया ने इतनी जानकारी दी है ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भैया के बारे में कुछ कमेंट कीजिए कि भैया ने जो बताया क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। और हिमांशु जी, नर्मदा रिवर आपने तो देखी नहीं होगी, चलो दिखाते हैं। ये हमारी नर्मदा नदी है, ठीक है, ठीक है। ओमकारेश्वर मंदिर हम जा रहे हैं, ओमकारेश्वर मंदिर, और ये रास्ता जाता है ओमकारेश्वर मंदिर। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए चलते हैं, बोट में जाना है, बोट में। ये
हाँ यूट्यूबर रियाज बाजी को ये अपना देखो इधर आओ सुनो ये अपना बोटिंग वाला रास्ता है डेम और संगम। अच्छा वो डेम और संगम यहाँ पर नर्मदा और कावेरी का संगम है, दो नदियों का संगम है और जलेश्वर का अन्नपूर्णा मंदिर का ऊपर का मंदिर है। अच्छा यहाँ से दिख जाएगा? हाँ पूरा दिख जाएगा, उनको बुला लीजिए बोटिंग कर लो बढ़िया रहेगा। अभी हम ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जाते हुए और ये पुल है जो जा रहा है ओमकारेश्वर मंदिर और अभी हम धीरे धीरे इस पुल पर चलते हुए नर्मदा नदी का स्नान करके आए। सौराष्ट्र सोमनाथ श्री पहले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम नारायण त्रिमुखेश्वरी ममलेश्वरम तम और भाई साहब इस पुल पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत मस्ती करते हुए चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सौराष्ट्र सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम वाराणसीम त्रिपिशेषम त्रिम्बकम गौतमिकटे हिमालय चुकेदारम भुजनेशम च शिवालय ओम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। अब सौराष्ट्र सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम वाराणसीम त्रिपिशेषम हिमालय चुकेदारम त्र्यंबकम गौतमी तटे कृष्णेशम च शिवालयम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो बोलो काली मैया जी जय 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 देव शंकर आदि देव शंकर देव जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जान क्या हो रहा है क्या भरा तेरे रास्ते पे मैं तो आंख बूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा लीला तमस्कार नमो नमो मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह मुझे भरमत जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है चुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा
बताइए डरना नहीं यहाँ पे आने के लिए, बताइए आपने चलते रहना है और मैं मेरे घर के बाद तक नहीं आया। आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये भीड़ काफी लंबी है, हम एक घंटे से इस लाइन में हैं। तो आप घंटे से 4 घंटे हो गए और अभी आपको और चलना, इनके पास वॉच नहीं, इसको 2 घंटे नहीं गिनता। दादी परेशान हो रही है आपको? इसी दादी परेशान, दादी खड़ी हो ये भैया ना, ये आशिक से यहाँ का ठीक है, कभी वेकेशन जाएंगे त्रंबकेश्वर जाएंगे तो एड्रेस सियावर रामचंद्र की आराम मिलो, आराम पानी को अब ठीक हो, ऑनलाइन देखो गर्मी और 6 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन कर लिए हैं ओम कालेश्वर बाबा के और हम लाइन से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर हर महादेव अहमदाबाद।